ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। इतनी तेजी से ये शख्स कहां भाग रहा है, पीछे पुलिस वाला भी डंडा लेकर पूरा जोर लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस जिन्हें दौड़ा रही है वे छात्र हैं। वही छात्र जो कभी ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में दरवाजे तक खचाखच भीड़ के साथ सफर करते देखे जाते हैं, तो कभी नौकरी के लिए अपने परिवार से दूर सभी ऐशो आराम छोड़कर अलग शहर में रहते हुए पाए जाते हैं। यही छात्र पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर कोई पेपर लीक होने की खबर आती है तो आंदोलन करते हुए भी देखे जाते हैं, फिर पुलिस के डंडे तो उन्हें खैरात में मिल ही जाते हैं क्योंकि ये छात्र हैं। यूपी के प्रयागराज में जमकर बवाल मचा हुआ है। आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्र इस बार यूपीपीएससी दफ्तर की बजाय सिविल लाइन की तरफ धरना देने के लिए पहुंचे। पिछली बार आयोग के दफ्तर पर छात्रों ने धरना दिया था तो इस बार पुलिस ने आयोग के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। भीड़ को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अब हालात ये हैं कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस मौके पर ही हिरासत में ले रही है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार 23 फरवरी को जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आंदोलन थोड़ा थम गया था। अगले 2 दिनों तक काफी शांत माहौल था, लेकिन 26 फरवरी की सुबह से ही छात्र जुटने लगे और अपनी मांगों को लेकर आयोग कार्यालय की तरफ जाने कदम बढ़ाने लगे। छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से दोबारा परीक्षा करवाई जाए। आपको बता दें कि 11 फरवरी को आरओ एआरओ परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने का दावा किया जाने लगा था। परीक्षा के पेपर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो यूपी पुलिस ने पेपर लीक से इनकार कर दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो जांच बिठा दी गई और अब अभ्यर्थियों से सबूत मांगा जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्र आंदोलन के बहाने उत्पाद मचा रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अब जब छात्रों के आंदोलन के बारे में इतना जान ही लिया है तो थोड़ा उस परीक्षा के बारे में भी जान लीजिए जिसके लिए छात्र पुलिस के डंडे खाने को तैयार हैं। आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करती है। इनका मुख्य काम आधिकारिक कागजात के रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है, अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना और उनसे अपडेट लेना। जब कोई अधीनस्थ उपलब्ध ना हो तो टाइपिंग और क्लर्क कार्य अत्यावश्यक रूप से करवाना, मांग पत्र और लंबित फाइलों का रिकॉर्ड बनाए रखना। अब लौटते हैं खबर की तरफ। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में छात्र महापंचायत कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जिस वक्त वे 11 फरवरी को परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे थे उसी वक्त सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट हो रहा था। अगले ही दिन 12 फरवरी से छात्र सड़कों पर उतर गए और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डेरा जमा लिया था। 24 फरवरी को छात्रों ने एक महापंचायत का आयोजन भी किया था। इस बीच छात्रों और आयोग सचिव के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई। छात्र वापस लौटे, लेकिन सोमवार 26 फरवरी को एक और महापंचायत के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर के लिखे जाने तक अपडेट ये है कि प्रयागराज में बवाल अब भी जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।